स्वागत है भाई मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं रायपुर में अपने सुंदर भाई के यहाँ। तो आइए भाई आप अपने सुंदर भाई से आपको मिलाते हैं। हाँ। सुंदर भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। सुंदर भाई कैसे हो? सब बढ़िया भाई। तो भाई ये बताइए अपने शौक के बारे में। अब मेरा शौक भाई छोटा सा है, क्वांटिटी कम है। हाँ। और कम से ही मतलब शौक करता हूँ। तो सुंदर भाई आप पहले मद्रासी से पालना चालू किए हो कि देसी से? मद्रासी पालते मेरे को कम से कम 7 से 8 साल हो गया है। हाँ। उससे पहले गिरेबाजी पालता था। तो भाई दोनों में क्या फर्क लगा आपको, यानी कि मद्रासी और गिरेबाजी में? गिरेबाज में उड़ान जिस हिसाब से हाई फ्लायर रहते हैं। हाँ। तो वो चीज देखते हुए जो आज के जनरेशन के साथ जो चल रहा है, जो हमारे यहाँ के नियम है, नियम है 3 घंटे में जो दिखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तो उसको हिसाब से कम करके अपने शौक के लिए एक जोड़ा देसी रखा हुआ हूँ मैं। और उसके बाद बाकी पूरे मद्रासी है जो हमेशा दिख के उड़ते हैं और टाइम भी अच्छा देते हैं। तो भाई आपने यहाँ पर यानी कि टूर्नामेंट भी जीता हुआ है, तो भाई वो लोकल था? हाँ लोकल ही है ना। और आमने सामने की बाजी भी साथ जीता हुआ आपने, है ना। तो भाई कितने की थी बाजी वो? 5-5 हजार रुपए का 2 बाजी जीता हूँ। 2 बाजी और 2018 में 2 बाजी जीता हूँ। हाँ। और 2019 में 3 बाजी जीता हूँ। चलो बढ़िया है भाई। तो भाई ये हमारे सुंदर भाई है। तो अपने सुंदर भाई के कबूतर का आपको शौक कराते हैं दोस्तों, ठीक है? तो भाई ये अपने सुंदर भाई का पहला कबूतर है दोस्तों। इसकी आंख देखिए, अनारी में है। सुंदर भाई ये कहाँ की ब्लड लाइन है? ये तो घर का बच्चा है, मैग्नेट लाइन में से है। हाँ हाँ, ये घर का पट्टा है भाई। इसके थोड़ा पंजे का भी शौक करा दो भाई। ये इसके पंजे, इनकी मैग्नेट लाइन का है दोस्तों ये, और काफी फेमस रहा है भाई ये जो मैग्नेट लाइन है इनका। तो सुंदर भाई जो ये मैग्नेट लाइन का कबूतर था ये कहाँ से आया था भाई? ये कलकत्ता से आया था भाई। हाँ तो मजुमदर से। हाँ हाँ, ये कलकत्ता से आया था, अपना सोमेश भाई लेके आए थे। अच्छा भाई। हाँ। सोमेश भाई अपने गुंडा दही वाले ना? दही वाले, उन्होंने मेरे को 10 परिंदे इसका गिफ्ट किए थे। अच्छा भाई, 10 पट्टे गिफ्ट किए थे मेरे को। चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। ये भाई उसके साथ में लगी हुई मादी है। सुंदर भाई इसका क्या रिकॉर्ड है भाई? इसका रिकॉर्ड भाई ये तो मैं शुरू से ही इसको भी कैच करके रखा हूँ। अच्छा, इसको उड़ाया नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें से अपने पास खत्म हो चुका था। अच्छा अच्छा, तो रुक के रखा हुआ हूँ मैं। हाँ भाई इसके पंजे का शौक करा दो भाई। ये इसके पंजे है, इनकी आंखों का शौक भी कराते हैं भाई। ये जोड़ा है दोस्तों, अनारी जोड़ा है और काफी अच्छा जोड़ा है दोस्तों। हाँ भाई ये कौन सा है भाई? ये टिप्लर लाइन है भाई। हाँ। मद्रासी टिप्लर है ये। हाँ हाँ, जो कि ये पिछले साल गर्मी में मैं उड़ाया हूँ। अच्छा भाई, कितना तो उड़ा भाई ये कबूतर? 1:15 बजे बैठा है, जिसमें खुला बाजी था। हाँ है ना, तो ये नर चैंपियन कराया हुआ है ये। अच्छा भाई, और बहुत ही प्यारा उड़ान है इनका। हाँ। और इनका रेंज भी बहुत लंबा है। अच्छा, बहुत लंबे रेंज से उड़ते हैं, यानी कि लंबे चल के उड़ते। हाँ, भाई लंबे चल के उड़ते हैं। अच्छा भाई, दोस्तों इसकी आंख देखिए, पंजे दिखा दो भाई। ये इसके पंजे, टिप्लर मादी है भाई, टिप्लर मिल से ही मादी है। अच्छा, ये मादी है भाई, है ना। ताकी है भाई, है ना, ताकी, यानी कि कई लोगों भाई दिड़क्खी भी बोलते हैं, और भाई हमारे रायपुर में ताकी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये भाई इनका टिप्लर का जोड़ है ना, जोड़ देखिए दोस्तों और बताइए कैसा है। काफी शानदार जोड़ है दोस्तों ये भाई। ये भी कलकत्ता से आया हुआ है ना? हाँ हाँ, ये भी कलकत्ता से आया हुआ है। ये भाई इनका तीसरा जोड़ा है, उसमें से एक नर है भाई। ये तारा कलंक का नर है। हाँ। जो हमारे कलाम भाई है कलकत्ता से, वो उन्होंने ला के दिया है ये मेरे को। अच्छा भाई। हाँ। तो भाई इसके आपने बच्चे कराए हैं? हाँ, इसके बच्चे कराए हैं भाई। कैसे उड़ते हैं भाई? रिजल्ट बहुत अच्छा है, वापसी भी बहुत अच्छा है इनमें। अच्छा अच्छा, और एक पर का बच्चा है जो काफी अच्छा उड़ान देके वापसी किया, 3 दिन के बाद में वापसी किया वो बच्चा है। भाई सबसे मेन बात तो शायद कबूतर में यही रहती है कि कबूतर उड़े या ना उड़े, लेकिन वापसी भाई अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि काफी मतलब बोला जाए तो घर भी नहीं देखा हुआ था वो बच्चा। अच्छा भाई, खाली ये जो पिंजरा है, दिखाई पिंजरा को? हाँ, ये पिंजरे में जैसे ये अभी पट्टे है वैसे रहा है, उसके बाद से वो निकल गया था।
भाई देख ही सकते हैं भाई जगह देखो कैसा है, उसके बावजूद भाई इस बच्चे ने, यानी कि वो बच्चा भी आपको शॉक कराएंगे यार। वो 3 दिन के बाद आया, अपने सुंदर भाई बता रहे हैं, और काफ़ी छोटा बच्चा था भाई। कबूतर उड़ान तो बहुत मिलते हैं, उड़ने वाले बहुत मिलते हैं, उड़ते भी बहुत हैं, बाकी वापसी भाई बहुत कम कबूतरों में होती है, जो कि इस नर में है भाई, इस नर के बच्चे में है। ये उसकी मादी है, ये उसकी मादी है दोस्तों, इसकी मादी का भी आपको आंख वगैरह पंजे वगैरह शॉक कराते हैं। ये दोस्तों इसकी मादी का हाथ देखिए, काफी शानदार है भाई, समझ में आ ही रहा होगा देखकर। ये उसके पंजे दोस्तों, ये जुड़ा ही है दोस्तों पूरा। यही पट्टा है दोस्तों जो 3 दिन में वापसी किया है, और भाई बहुत ही छोटा पट्टा था, ये तो अभी बड़ा हो गया है। सुंदर भाई ने मेरे को वीडियो पहले भी भेजा था इसका, भाई देखो इसको शॉक करो। तो भाई ये चौथा जोड़ा है सुंदर भाई का, सुंदर भाई बताइए इसके बारे में। ये नर 4 साल पहले, 3 साल पहले, हाँ हाँ, ये नर मेरे पास आया था मेरे कबूतरों के साथ फंस के, और बहुत गंदा कंडीशन था, शाम का 5:45 बज रहा था। अच्छा भाई, जब ये गिरा था मेरे कबूतरों के साथ में आके, तो ये नर किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बच्चे उड़ा रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट है इसमें। अच्छा भाई, ये मादी लगा हुआ है अभी, ये मादी नहीं है, इससे पहले दूसरे मादिन के साथ इसका बच्चे निकाल के उड़ा चुका हूँ मैं। अच्छा भाई, भाई जोड़े छोड़ के दिखा देते हैं। ये जोड़ा है दोस्तों देखो, वाकई नर बहुत लाजवाब है दोस्तों, देखो नया जोड़ा लगा है, अब पता चलेगा दोस्तों क्या चलता है इसके बच्चे। हाँ भाई यार, ये जैसा कि मैं बताया कि अपने पुराने नस्लों में से एक जोड़ रखा हुआ हूँ करके। अच्छा भाई, तो ये है जोड़ जो जो अपना शौक को बरकरार करके रखा हुआ है, जो ओल्ड लाइन से अपना जो गिरेबाज देसी जो कबूतर है। हाँ भाई, तो ये एक जोड़ा उसमें से मैं रखा हुआ हूँ आज भी। तो क्या है भाई, अपने जो छत्तीसगढ़ में तो खैर इसका तो कम से कम शौक बहुत ही कम लोगों को है भाई, है ना, क्या लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन आपने बचा के रखा है जोड़, बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई आपको शौक कराते हैं, ये इसकी आंख देखिए दोस्तों, और इनके बच्चे इस साल टूर्नामेंट में उड़ेंगे भी। ऐसा क्या भाई, चलो बहुत अच्छी बात बच्चे है, बच्चे उड़ा रहा हूँ मैं टूर्नामेंट में, जहाँ से पूरे ये मादी दोस्तों टूर्नामेंट रहेगा 5-6, तो पूरे देसी उड़ेंगे। अच्छा भाई, तो इनका बच्चे मैं बना रहा हूँ, तो ये 6-7 बच्चे देसी पूरा टूर्नामेंट उड़ेंगे। चलो भाई ओके, चलो। तो भाई ये जो हमारे नए भैया है जो अभी चालू के स्टार्ट किए है, ये आपका नाम? अबुल कलाम है, कलाम शेख अबुल कलाम है। तो भैया का नाम भाई शेख अबुल कलाम है, और भैया अभी नया नया चालू किए हैं, तो भैया आपने कौन कौन से ब्रीड रखा हुआ है? देसी भी है मेरे पास, नजरबंदी भी है जी, मैग्नेट भी है जी, 950 है मेरे पास। तो भाई देखते हैं, हो सके तो भैया के यहाँ का भी आपको शौक कराएंगे नेक्स्ट बार, है ना। तो ये हमारे सुंदर भाई थे जिनका आज हमने वीडियो बनाया भाई, और काफ़ी अच्छा शौक है अपने सुंदर भाई का, कबूतर तो हमने आपको दिखाई ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।